हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज के दिन की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हो रही है कि आज है हमारे यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे जस्ट बिकॉज आज हमारी ओरिएंटेशन है। क्लासेस तो अभी स्टार्ट होने में एक वीक है, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगी। अभी ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन में बताएंगे, सारा टाइम टेबल सेट करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो ओरिएंटेशन थी 11 बजे, अभी बज रहे हैं 11:30। वी आर ऑलरेडी 30 मिनट्स लेट और उसके बाद अब जाएंगे, आ जाने में आधा घंटा, तो 1.5 घंटे के ओरिएंटेशन में हम 1 घंटे लेट पहुँचेंगे। वी इंडियंस लेट पहुँचने की आदत है हर जगह पर। तो थोड़ा लेट हो गए थे रात को सोते में भी, फिर खुद ही ब्रेकफास्ट बनाया, सारी चीज़ें, तो उसमें लेट हो गए। बट कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। पहली बार हम किसी यूनी में जाएंगे क्योंकि आज तक तो हम कॉलेज से पढ़े हैं। पहली बार यूनिवर्सिटी में जाके देखेंगे क्या माहौल है, वो भी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ का क्या माहौल है, वो जाके मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। प्लीज़ बने रहो वीडियो के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग गाइज। यहाँ पे मतलब आज हमारा 3rd डे है, 3 दिन से डेली नहा रहा हूँ मैं। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, यहाँ पे पता है क्या सीन है, यहाँ पे जो पानी आप नहाने के लिए इस्तेमाल करते हो, जो पानी आप धोते तो है ही नहीं यहाँ पे धोने के लिए कुछ इस्तेमाल नहीं करते, धोने के लिए ओनली टॉयलेट पेपर। तो जो पानी आप नहाने के लिए इस्तेमाल करते हो ना, जो पानी बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हो, उसी में से लोग पानी पीते हैं। इतना साफ़ पानी है यहाँ का। तो मैं 3 दिन से नहा रहा हूँ। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, इंडिया में क्या था, मेरे बाल जो थे ना वो ऊपर रहते थे, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आया हूँ और सारे बाल नीचे रहते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, बाल सिल्की से हो जाते हैं, वैसे बाल हो गए। अच्छी चीज़ है, पॉल्यूशन ज़ीरो है और पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। पर काले तो हम फिर भी हो रहे हैं क्योंकि देख रहे हो धूप बहुत पड़ती है। राइट नाउ 28 टेम्परेचर है यहाँ का, तो 28 टेम्परेचर तो काफ़ी होता है, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, इतनी ज़्यादा धूप लगती नहीं है। बट यहाँ पे स्किन कैंसर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, फॉरेनर्स को भी होती हैं। हम इंडियन सबको झेल जाते हैं और हम बच के भी रहेंगे। सनस्क्रीन लगा के निकलो घर से। मैं डेली सनस्क्रीन लगा के निकलता हूँ, सनस्क्रीन है, उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र, जस्ट बिकॉज जो सन की रेज़ हैं उससे इफेक्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पे हम बीमारी या कोई भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड इन द सेंस कि भाई सारी चीज़ें करनी होती हैं, सारी चीज़ें खुद करनी है। अगर बीमार हो जाओगे या घर वाले आएंगे नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। तुम बीमार हो तो अभी तुम्हें खाना बनाना है, सब कुछ करना है। तो बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ, हर चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखो और सब मैनेज हो जाता है यार। हमारा तो 3रा दिन है, हमें अभी से सारी चीज़ें मैनेज लग रही हैं, तो तुम आओगे आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेडी रहना पड़ेगा तुम्हें। हमें तो चलते चलते सांस फूल रही है यार, बनाता हूँ अभी। भाई अभी हम आ चुके हैं गोल्ड कोस्ट ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के स्टेशन पे। ये देखो कुछ इस तरीके की यूनिवर्सिटी का स्टेशन है ये। और को जाना है इस साइड, सब कैंपस ही कैंपस है यार, ये सब कुछ कैंपस का पार्ट है, सब कुछ। मतलब इतना बड़ा कैंपस है कि कैंपस के अंदर बस और ट्रेन सब कुछ आता है, सारी चीज़ें यहाँ पर। तो इस वजह से बहुत सही है। आप देखो, ये देखो। तो अभी हम जा रहे हैं ओरिएंटेशन के लिए, बताया था जैसा मैंने तुम्हें। तो जाते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती है, बहुत मज़ा आएगा। बैग मिलना है फ्री के, वो बैग लेंगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। चप्पलें तक दे रहे हैं ये लोग। अभी देखो टेस्ला वेस्ला सब खड़ी हुई यहाँ पर दिखा नहीं सकता क्योंकि वी आर नॉट अलाउड टू शूट एनीवन। ये वाला नहीं, ये वाला। ये अभी हम कर रहे हैं रोड क्रॉस। जब तक हम रोड क्रॉस करेंगे सारी गाड़ियाँ रुकी रहेंगी रोड पर, चारों तरफ रुकी रहेंगी, कोई चल नहीं सकता है। अगर चला दिया तुम्हारे ऊपर गाड़ी चल गई तो उस बंदे को जेल है। तो भाई अभी हमें जाना है उस तरफ जो रूम ऑडिटोरियम में हमारी वो है ओरिएंटेशन, वहाँ जाना है। और ऑल ओवर कैंपस देखो यार तुम। कैन यू इवन इमेजिन कि ये सब कैंपस का पार्ट है। ये जंगल से लेके ये सारी चीज़ें, ये स्पोर्ट्स के वो। सॉरी ब्रो, सॉरी तेरे 19,000 के जूतों पर मैंने पैर रख दिया। भाई ये जूते 19,000 रुपये के जूते लेके आए इंडिया से, किसी को पता ही नहीं है इसने। मैं तो यही शौक हो गया, एडिडास के 19,000 के जूते भी आते हैं। प्रमोशन कर दिया, पैसे भिजवा दियो। पेटीएम तो चलता नहीं, एप्पल पे हो जाएगा। ये जूते हैं भाई, देखो कहीं से लग रहे हैं 19,000 रुपये के स्नीकर्स हैं। और ये देखो, ये है, इसमें इस बिल्डिंग में है हमारा ओरिएंटेशन। चलते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे को तो देख के ही मज़े आ रहे हैं, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, इतनी अच्छी जगह है। चलो। हाँ, रूम ऑडिटोरियम ये है भाई, ये है हमारी बिल्डिंग। अब गूगल पे डाल के देख रहा है ना वो, तो डाल गूगल पे G40 ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी। नहीं यार, वो बंदी के पास तो वो हमें बता देंगे ना। अभी हम जा रहे हैं ना, तो सब बताएंगे भाई। मैप भी मिल जाएगा हमें, सब कुछ मिल जाएगा। अभी कैंपस टूर ले लेंगे ना 1:30 बजे। ये देखो भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो तुम यूनी का। क्यों नहीं गई कैंपस टूर में अलग से बनाऊँगा, तब तक के लिए हल्का हल्का ओवरव्यू ले मैं थोड़ा कैमरा बता इंटरनेशनल अभी चल रहा है भाई थोड़ा ज्ञानवर्धन वाला सीन, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान दिया जा रहा है और कुछ बता नहीं रहे हैं। तो ये भैया शौक हो रहे हैं कि मैं ड्रॉइंग करता हूँ, हाँ वही करता हूँ, शुरू कर रहा हूँ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो सभी करते हैं। हाँ the careers and employment student employment sorry team who look after our jobs for students. They speak to industry on a very regular basis and identify and bring forward opportunities for students and our graduates, and we advertise those on Career Hub. Career development needs is here. Thanks Nadia. Thank you. Thanks so much Tracy and Jenny. से इंडिया वगैरह जाते थे ऐसे यहाँ पे वगैरह पर रहते, यहाँ पे सारे इंडियंस ही इंडिया में से कोई प्रोग्राम खत्म होने का ऐसे वक्त थे ना देखते ऐसे यहाँ पर ज़्यादातर इंडियन ही यहाँ पर ना। ओरिएंटेशन हो चुकी है कंप्लीट, ऑलरेडी 1 घंटे लेट पहुँचे थे। कुछ वो ओवरव्यू सामने में आया कि ज्ञानबाजी थी, आपको ये ऐसे करना है, जॉब ऐसे लेनी, सारी चीज़ें उन्होंने बताया। अच्छा था, बढ़िया था। लास्ट में कुछ गेम भी थे, 1-2 सरप्राइजेस दे रहे थे, वही सब चीज़ें थी और ऐसा कुछ नहीं था। अब हम थोड़ा सोच रहे हैं इधर उधर जाके एक बैग कलेक्ट करना होता है, वो बैग कलेक्ट करेंगे। ये देखो ये यूनिवर्सिटी है भाई, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत तगड़ा है मेरी जान। ये ओवी बैग जो कि स्टूडेंट्स के पास है उसके लिए है इतनी लंबी लाइन, मैं नहीं लग रहा लाइन में, पर बैग मैं फिर भी ले लूँगा क्योंकि मैंने अपना दोस्त लगा दिया लाइन में। जब तक मैं यहाँ पर ऐसे घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। उधर झूले भी हैं, मार्केट इधर ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का, इधर रेड बुल की पार्टी चल रही है, रेड बुल मिल रही है। बहुत ही डिफरेंट बात है, बहुत ही डिफरेंट, नॉट इवन एक्सप्लेन करती है। फिर मेरे को मिले यहाँ से ये गेम, अभी मैंने खेला था, थोड़ा सा घुमाना था, उसके बदले चॉकलेट मिल रही थी। मतलब अभी वो चीज़ें हो रही है यार, पता ही नहीं है मैं क्या क्या करूँ क्या क्या नहीं करूँ। यूनिवर्सिटी क्या है, पढ़ाई की तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा कुछ, क्या पढ़ाएंगे भी क्या नहीं पढ़ाएंगे। और स्टूडेंट ऐसे हैं आदमी जैसे, बढ़िया यार, मज़ा आ रहा है भाई। ये यूनिबार में कुछ है, प्राइस वगैरह मिल रहे हैं। तो भाई यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें फ्री हैं स्टूडेंट्स के लिए। आओ मौजूद हो, चेक करो। ये बैग मिला है, इस बैग में कुछ भाई उन्होंने मेंशन कर दिया था भाई, ये बैग मिला है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बैग को मैं खोल के दिखाऊँगा घर पर, फिलहाल तो इस बैग को लेके घूमते हैं, बाकी और चीज़ें भी करते हैं। बढ़िया जगह यार। यहाँ पे बस लाइन थी, लाइन में एक QR कोड स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करना था, अपना नाम बताना था, स्टूडेंट ID, और आपको ये बैग मिल जाएगा। इस बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें मुझे पहले से पता है क्योंकि मैंने स्टोरी देख ली थी बच्चों की। मैं ऐसे अनबॉक्स करके आपको दिखाऊंगा। Alright, let's do it. And that's a wrap. You got it. मैंने अभी देखा ही होगा जो मैंने लास्ट वीडियो डाली यार, बड़ा मज़ा आया उस पर। जो उसकी जो मेन वीडियो मैं Instagram पर जरूर डालूंगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है। एंड इवन दैट पर्सन वॉज हैप्पी विद द वीडियो, वही बोल रहा था भाई तुमने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, इसे हम अपने Instagram हैंडल पर डालेंगे। और चीज़ें ट्राई करते हैं, आ जाओ। Yeah. इसको वाले जो बात कोड़े, हाँ हाँ। Hey bro, what are you doing? अच्छा He always tries to be smart, but he can't. Not bad. Again, that's it. No. Oh, nice. Like birthday. Just go slowly. Yo, you missed it. वहाँ से यहाँ तक चलते चलते भाई यहाँ केक ख़त्म हुआ है। बहुत फन है भाई, बहुत ज़्यादा फन है। मतलब सन ग्लासेस फ्री में दे रहे हैं आपको, मतलब फ्री में क्या वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आपसे इंस्टा पे फॉलो करवाएंगे। बट यार मज़ा बहुत है, बहुत मज़ा है। आई अर्नड इट, मेहनत करिए भाई, इस वजह से यहाँ पे आए हैं। तुम भी करो, तुम भी आओ। मेरा मेहनत का कुछ नहीं होता, ये वो नहीं है कि बस सुबह उठे नाश्ता कर लिया आ गए। ऑस्ट्रेलिया सबको पसंद है, ओरिएंटेशन सबको पसंद है, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना सबको पसंद है। बट यू हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर इट। कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो बस ये वीडियो देखो। इसे लाइक करने में कोई हार्डवर्क नहीं है, लाइक करो वीडियो को, हमें सपोर्ट करो जिससे हम और इन्जॉय करें यहाँ पे। हमें सपोर्ट करो ताकि हमारे शुरू हो जाए कुछ पैसे वैसे आना, तो हम भी इन्जॉय करें। सीधे काम की बात। अब हम जा रहे हैं इस वाली राइड को इन्जॉय करना है। ऑब्वियसली इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, और देख के तो लग रहा है मज़ा आने वाला है। मैंने ऐसे वीडियो तो इंडिया में कभी ट्राई नहीं किया। भाई देखो, ये भाई भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ये मेरी तरह गिम्बल लेके घूम रहे हैं। इनका थोड़ा बजट ज़्यादा है, इनके साइड यूट्यूब पर पहचाना शुरू हो गया। मेरा थोड़ा बजट कम है। Just place it anywhere. बहुत मजा आया यार, बहुत मजा। यहाँ के लोग इतने जेनरस हैं यार, इतने जेनरस लोग हैं भाई। उस बंदे ने प्रॉपर वाली वीडियो बनाई जो झूला चला रहा था, झूला स्विंग बोलते हैं भाई। इंग्लिश बोलूँ क्या तुम्हारे सामने? आप ये देखो यार, व्यू देखो, बहुत मजा आया यार, बहुत मजा। मैं बता नहीं सकता इतना मजा आया। कोरियन भी थे वहाँ पे, उनसे ही मजे लिए। मैं तो मजे ही लेता रहता हूँ चारों तरफ। मैंने कोरियन से कहा, भाई घबरा मत, भगवान हमें बचा लेगा। बहुत मजा आया, बहुत लिटरली बहुत मजा आया। हे ब्रो, से हाय टू माय व्लॉग। I'm gonna see you on YouTube. ऐसे लोग हैं यार, किसी से कोई बच्चोदी करो, कुछ करो, खुश रहते। बच्चोदी इन द सेंस ये भी नहीं तुमने गाली दे दो, प्यार से बात करोगे सब। I'm trying it for the first time. You recommend me what I should try. Okay, thank you much. याद है अपने इंडिया मिलती थी 1 रुपये पेप्सी, लिक्विड होता था जमा के, वो ऐसी तो होती थी। या मैं यहाँ से अभी मिली है, इसको बोलते हैं जूपर डूपर। बहुत अच्छी है, इंडिया से अच्छी है, पर हैं सारी वही चीज़ें यार, कुछ नहीं। तुम इंडिया में रहो। शुरू गुड़िया के बाल खाने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ लगा के खड़े हुए हैं, इतनी भीड़ लगा के। तो ये गुड़िया के बाल तो मैंने फ्री में इंडिया में कभी नहीं खाए, शादियों में मिलते थे। गुड़िया के बाल खा रहे हैं। हेलो ब्रो, व्लॉगिंग चल रही है? या जस्ट ट्राइंग टू डू इट। हो सकता है धीरे धीरे सीख जाऊं। पहला कोई इंडियन मेरे को ऐसा मिला जो अपनी तरफ से बात कर रहा है, वरना सारे इंडियन ऐसे घूमते हैं। मेरी जान करेंगे सब भाई, ज़्यादातर चीज़ें अपन ने कर लिए ट्राई, बहुत मज़ा आया। अब रेड बुल लेने जा रहे हैं, अभी और ट्राई करेंगे। रेड बुल लेने जा रहे हैं भाई, वो भी फ्री में मिल रही है। उसे पी पा के और थोड़ा घूम के शाम को हो सकता है यूनिट हो रहा है, वो भी देखेंगे। वरना शाम को एक पार्टी है, वो पार्टी ज्वाइन करेंगे, यूनिबार किक ऑफ पार्टी, उसमें देखते मज़ा आएगा भाई। ये यूनिवर्सिटी का क्या बोलते हैं, एक तो समझ में आता हो, ये यूनिवर्सिटी का स्विमिंग पूल है भाई। मेरे पीछे उस साइड ग्राउंड वगैरह है, और अपने इस साइड रेड बुल मिल रही है। ये देखो, अगर यहीं अपना इंडिया होता ना, उसके फ्रीजर में हाथ डाल के निकाल लेते, अगर ये नहीं देती तो टाइम तो तोड़ के नहीं जाता। यहाँ पर कोई, यहाँ पे क्या सीन है, अगर कोई आपके आगे भी खड़ा हुआ है तो यू हैव टू आस्क पर्सन कि आप जा रहे हैं या मैं जाऊँ, ये सीन होता है। ये डीजे बज रहा भाई यहाँ पर। भाई तो यहाँ पे हमारे आइसक्रीम खरीदने मन कर रहा था खाने का, देख के। तो देखते हैं कैसी होगी, मैंने कभी यहाँ की ट्राई नहीं करी आइसक्रीम। भाई लस्सी पिएगा? अब हम जा रहे हैं यहाँ से। ओरिएंटेशन हो गई एक तरीके से, कह लो हो गई ख़त्म। ऐसे तो तुम्हें रोकना चाहिए, जब चाहे तब रोके हो भाई। तुमने फीस दी है, यूनी पूरी तुम्हारी है, जहाँ रुकना जहाँ बैठना वो करो। लेकिन अपना काम हो गया भाई, चलते हैं घर। अब घर जाते हुए तो मैं क्या ही दिखाऊंगा, इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं एंड। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कंटिन्यूटी में वीडियो आते रहेंगे। डेली बेसिस पे अब मैं ब्लॉग डाला करूँगा। अब मैं क्या यार स्टार्टिंग करी अभी मैंने, डेली ब्लॉग डालूंगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ की दिखाऊंगा, क्या लाइफ है, कैसे है। मेरी जो यूनिवर्सिटी वो है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी, दोस्त डोंट नो, और इसके अलावा कुछ नहीं। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई वैसे तो मैंने ब्लॉग एंड कर दिया था, बट ये बैग जो मैं तुम्हें वीडियो में दिखाई है तो मैं सोचा इसे अनबॉक्स करके एक बार तुम्हें दिखा दूँ उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे। तो भाई इसमें हमें मिला है सबसे पहले तो ये कैलेंडर है 2023 का, ग्रिफिथ का, ठीक है, कुछ इस तरीके का भाई पूरी 2023 का कैलेंडर है। इसमें तो मैं चीज़ें मार नहीं चलिए। और मिली है मेरे को ये नोटबुक कुछ इस तरीके से, ऑस्ट्रेलिया की नोटबुक, अच्छी क्वालिटी की। मेरी शक्ल मत दिखा, नीचे भी दिखाना भाई तू है। और एक ये वाउचर बुक मिली है भाई, जिसमें ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया की अलग अलग जगह के वाउचर है। जैसे पहला वाउचर है कियोस्क का, जिसमें 2 कॉफ़ी हमें $2 की मिल जाएंगी। दूसरा वाउचर है buy 1 get 1 free का सबवे में। तीसरा, बहुत सारे वाउचर्स हैं, कुछ अराउंड 40 वाउचर्स हैं इसमें, जो हम यूज़ करेंगे ऑल अराउंड 2023 यूज़ करते रहेंगे। एक ये हमें ये मिला है फ्री ड्रिंक अनलॉक्ड, अगर हम एक बर्गर लेंगे रिलिक्स से तो हमें ड्रिंक फ्री मिलेगी। दिस वन ये बैग के साथ नहीं मिला था, ये अलग से एक अंकल दे रहे थे, उन्होंने दिया। ये मिनी डायरी है, तो मैं कभी कुछ लिखना हो, छोटा मोटा लिखना हो यहाँ पे। एक्चुअली ऑस्ट्रेलियंस की पता है क्या आदत होती है, ऑस्ट्रेलियंस जैसे हम लोग करते हैं ना, किसी ने अपना नंबर बताया तो फ़ोन में सेव कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियंस ज़्यादातर नंबर जो है ऐसे डायरी वगैरह पे लिखते हैं, छोटी डायरी साथ लेके चलते हैं, जो अपने इंडिया में कल्चर है, बूढ़े बड़े लोगों का बाबा साथ लेके चलते हैं डायरियाँ, वैसी डायरियाँ हैं। वॉच अनदर पेन ऑफ ग्रिफिथ मेट्स, उठा के लाया भाई तू, इसके उठा के लाया मैंने, पता नहीं यार कहाँ से आ गया। इसके बाद हमें मिलेंगे ये वाइट स्पेक्स, ये एक्चुअली पार्टी स्पेक्स है, कभी आप क्लब वगैरह पार्टी करने जाओ तो ऐसे करके। और इसके अलावा अपन को क्या मिला है, वी गॉट दिस कप, इसके अंदर मेरा हाइलाइटर घुस गया, ये मिला था हमें। भाई हमें मिला था ये कप, जो कि पता नहीं कहाँ यूज़ होगा। वैसे तो ये कॉफ़ी पीने के लिए, पर्पसली कॉफ़ी पीने के लिए, पर हम इसे कहाँ कहाँ कैरी करेंगे, तो ये तो शो पीस में घर पर रखा जाएगा सिर्फ। और मिला था ये हाईलाइटर, इसके अलावा ये स्पेक्स भाई अराउंड $40 के स्पेक्स है, जो मैं फ्री में मिले। ये देखो कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई, से क्या होगा इसके अंदर, गैस करो क्या लगता है तुम्हें क्या होगा। ई सिगरेट, लाइटर और समथिंग वेप, पता है क्या इसके अंदर। ये कैमरामैन है, ये मैं हूँ, और ये पत्ते हैं। तो ऐसे करके दिखाऊंगा, मैं कर लेता हूँ भाई, अपने गांव गया था तब मैंने बहुत किया था।